आज है डे 3 और डिनर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। 9:30 बज रहे हैं। अब एक फ्रेंड है, उसके घर पे जाना पड़ रहा है फॉर बस टाइम पास, खाने पीने। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ अनहेल्दी ना खाऊं और मैं कुछ ज़्यादा खाऊं ना, क्योंकि मैं डिनर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मेरा पेट भी भरा हुआ है। तो ओवर ईटिंग ना हो जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलो चलते हैं, उसी में जाना है। चलो, हो रही है हमारी कैब। लड्डू की वॉक, लड्डू फिर से चलने के दिखाना, कैसे चल रहे थे? गद्दू भूत, चलो गद्दू भूत के चक्कर में किसी और की गाड़ी में घुस रहे थे। यू पुअर मैन। क्या आप रहने दो, कितनी बार बोल चुके हो उसको, कितनी बार पिला चुके हो, हैं अब भी चुके संगारे ऐसे। ये लो, कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं हो रहा है, चुपके पड़े हैं। बस करो यार, अब हटो, लड्डू हटो। सो गाइस, हम लोग घर पहुंच गए हैं, 1 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाकी की बातें मैं कल आपसे करूँगी, और तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैं ट्राई कर रही हूँ रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान, और आज है डे 4। सो अभी जो आपने क्लिप देखी वो डे नंबर 3 की है, वो भी रात की, मतलब मेरा डिनर हो गया था, वो उसके बाद की क्लिप है। सो फ्रेंड को के यहाँ जाना था, जो कि थोड़ा लेट पता चला, और वहाँ पे डिनर भी था और वहाँ पे थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह भी थी, तो इसकी वजह से तो मैंने डिनर तो नहीं किया। लेकिन अब सबके साथ बैठो तो ड्रिंक ना करो तो वो ऑकवर्ड लगता है ना थोड़ा सा। अगर आप ड्रिंक लेते हो और नहीं करो किसी के घर जाकर, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी चीज़ है। सो इसीलिए वहाँ पे ड्रिंक करनी पड़ी। तो मैंने 2 कॉकटेल ली थी, और स्नैक्स में मैंने लिए थे क्रिस्पी कॉर्न्स लिए थे, जो कि मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है, लेकिन वो डीप फ्राइड होते हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभार चलता है। मैं रात में 1-1.5 बजे करीब आई हूँ। फिर लड्डू सोने को ही नहीं तैयार हो रहा, वो सोया है 2:30-3 बजे के अराउंड सोया है, और सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली है। और जब मैं सोकर उठी हूँ तो 12 बज रहे थे, और हस्बैंड ने भी नहीं उठाया, वो हस्बैंड उठे हैं अपना, तैयार हुए हैं और चले गए हैं। तो बस क्योंकि उन्हें मालूम था मैं रात में काफ़ी लेट सोई हूँ, तो 1 बजे फिर भी 1-1.5 बजे करीब सो गए थे, लेकिन मैं शायद 3-3:30 के राउंड सोई हूँ मैं और लड्डू, तो उन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। तो बस अब मैं थायराइड वाली मेडिसिन 12 बजे ले ली थी, अब 12:30 हो रहे हैं। तो ये टाइम है मील नंबर 1 का, जिसमें मैं कल मतलब आलमंड्स खा रही थी या वॉलनट ले रही थी, तो मैं वो सोक करना भूल गई रात में, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ 1/2 बनाना, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का। और इसको लेने से पहले मैं अभी अपना वेट आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरा वेट कितना हुआ है। मैं डेली आपको वेट दिखा रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन मुझे ना फिर मैसेज आने लगते हैं, कमेंट आने लगता है कि प्लीज़ अपना वेट तो दिखाओ, प्लीज़ अपना वेट तो दिखाओ, इसीलिए मैं आपको वेट दिखा रही हूँ अपना। और तो चलो मैं अपना वेट दिखा देती हूँ और मैं अपना मील नंबर 1 फिनिश करती हूँ, और अब आपसे मिलूंगी मील नंबर। ये मैंने वेजीज ली है, वेजीज में मैंने लिया है टमाटर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली का एक जो फ्लावर होता है वो है, और प्याज है। तो इसको मैं चॉप कर लूंगी। सो गाइज, दिस इज़ माई मील नंबर 2, जिसमें मैंने बनाया है उत्पम। उत्पम की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है, साथ में है चाय। और तो चलो मैं अपना मील नंबर 2 फिनिश कर लेती हूँ, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे। अभी अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर लेती हूँ, और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मील पर, तक के लिए। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर मील नंबर 3। सो मुझे बिल्कुल भूख नहीं, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में इतना हैवी उत्पम ले लिया था, उत्पम काफ़ी हैवी हो जाता है, तो मैंने सोचा है कि मैं 2 डेट्स ले लेती हूँ, और बस यही है मेरा मील नंबर 3।
सब कुछ खराब चल रहा है। मैंने सोचा लंच के लिए कुछ बना लिया जाए, तो हमारी गैस ख़त्म हो गई। अब जब गैस ख़त्म हो गई तो मैंने इंडक्शन निकाला, तो इंडक्शन वाला कुकर ख़राब हो गया। मैं पैन में चावल बना रही हूँ। करे भैया क्या करे, खाना तो खाना ही है। सारी कायनात मिलकर कह रही है, रेनू आज तू चीट कर, आज तू चीट कर, आज तू चीट कर। लेकिन ना 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 ना, चावल बन गया तो ठीक, वरना फिर मैं मैगी खाऊंगी लंच में। भैया और कुछ ज़्यादा नहीं बन गया? फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कुकर के बिना चावल बना रही हूँ, पता नहीं है क्या बनेगा, खिचड़ी ना बन जाए। निंजा टेक्निक, चावल पका है कि नहीं पका है चेक करने का। अरे आ जा। ये यार अभी चावल नहीं पके, ये वाला पार्ट कच्चा है, चावल चल रहा है। यार 4:30 हो गए, अब मैं क्या ही लंच करूँ, मैं क्या डिनर करूँगी, फिर मैं कब नहाऊँगी, मैं कब कपड़े धो। मैंने मशीन भी लगा लिया है। 2000 years later. फाइनली खाना बन के तैयार है। खाना क्या बनाया, ये दाल जो है कल की है रात की, क्योंकि कुछ बनाने के लिए गैस नहीं है, और राइस बनाने में मेरे 4 जन्म बीत गए। तो चलो मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ, आप लोग भी। सो गाइस, मील नंबर 4 में मैंने एक पानी पिया था एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा पीती हूँ, और ये है मेरा मील नंबर 6। गैस नहीं है तो बस इसीलिए आज यही है मेरा मील नंबर 6, कोई स्नैक्स नहीं बना पाई हूँ मैं। तो मैं अपनी चाय इन्जॉय करती हूँ इससे पहले कि वो ठंडी हो जाए, और आप लोग भी अपने स्नैक्स लेके बैठ जाइए और अब मेरी वीडियो को देखते हुए इन्जॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, और आज है डे नंबर 4, जो कि मतलब ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। 12 बजे सोकर उठी हूँ, तो उसके बाद ना सब कुछ पूरा मेरा टाइम टेबल हिल गया, और 12 बजे मैं अपने तीसरे मील पर होती हूँ, और 12 बजे मैंने पहला मील भी नहीं लिया था। एक बार सोकर लेट उठो ना तो पूरा का पूरा स्केड्यूल ख़राब होता जाता है, वही आज हुआ है। मैंने 4:30 बजे लंच किया अपना, जब मैं अपना शायद 5th या 6th मील पर होती हूँ तब मैं लंच कर रही हूँ। तो उसके बाद ना लेट लंच किया, तो इसलिए हाँ डिनर के लिए मेरे को इतनी सी भी पेट में जगह नहीं कि मैं कुछ खा सकूं। और अगर मुझे लेट नाइट तक, मतलब जब तक मैं सोती हूँ तब तक मुझे अगर भूख लगती है तो मैं कुछ ना कुछ खा लूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिलहाल अभी मेरा डाइट इतना ही था, मतलब पूरे दिन मैंने इतना ही खाया है, जो कि मैं आप सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी आज हो गया है डे नंबर 4 का एंड, अब मैं मिलूंगी आपसे डे नंबर 5 पर। और आपको एक काम करना है, वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।